नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। खरगोन में बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ी बिलाली रोड पर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन मामले में एक सफेद कार से 39 पेटी शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार करके एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद कार में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने सतर्कता दिखाई और कार का पीछा किया। इस बीच कार सवार तेज गति से भाग खड़ा हुआ, लेकिन कार साइड में गड्ढे में जाकर रुक गई और साइड में बैठा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ, जबकि चालक को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। फरार व्यक्ति की तलाश जारी है। आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है जिसमें शराब अंग्रेजी और देसी भरी हुई है, वो गड़ी तरफ आ रही है, तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस बिस्तान थाना प्रभारी अनिल बामनिया के साथ में स्टाफ गड़ी पहुंचा। वहां पे जाकर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद देखा कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी लोडेड आ रही है, जिसका जो पुलिस जहाँ मौजूदगी थी वहाँ से आगे निकल गई, उसका पीछा किया और तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी पीछे पीछा कर रही है, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। इतने में गड़ी नदी के पास में उसका गाड़ी रोड से नीचे उतर गई, तो वहाँ पर उसको तुरंत घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की, जिसमें से एक आदमी जो ड्राइवर के साइड में था वो उतर के भाग गया, लेकिन ड्राइवर को उतरते उतरते पुलिस द्वारा दबोच लिया गया है। आरोपी का नाम जितेंद्र डावर है, जो ढाबला का रहने वाला है, जिसके कब्जे से एक सफ़ेद रंग की टाटा इंडिका ECS गाड़ी में रखी हुई 39 पेटियां जो 355 लीटर शराब है, जिसकी कीमत 1,94,000 रुपये है और गाड़ी की कीमत 4,50,000 है। कुल मजदूरों का 6,44,000 का आरोपी जितेंद्र से जब्त किया गया है, उसको साथ लेकर थाने आए हैं और उसके विरुद्ध अपराध धारा 16/24 धारा 34(2) आबकारी का पंजीबद्ध किया गया है, जिसे आज न्यायालय हम लोग वास्ते न्याय पेश कर रहे हैं। क्या शुभ नाम लिखे सर? मैं अनिल कुमार बामनिया, थाना प्रभारी बिस्तान। जी